असल स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर मैथ्स की हम एक्सरसाइज 7.4 आज स्टार्ट करने वाले हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है हमारे पास ये 7.4 में रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन नंबर टू करना है थ्री करना है फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन और टेन करना है तो क्वेश्चन नंबर टू का मैं पहला पार्ट आपको कराऊंगी और सेकेंड और थर्ड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है क्या करना है आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एन वैन एन सी फाइव इज़ इक्व टू एन सी फोर अच्छा अब सेवन पॉइंट फोर से हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं अब हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हो गया है दैट इज़ फॉर कॉम्बिनेशन आपने इससे पहले क्या किया है सिर्फ परम्यूटेशन किए कॉम्बिनेशनस में क्या होगा हमारे पास यहाँ पर फॉमूले का थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ परम्यूटेशन में किया था हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं परम्यूटेशन को एन पी आर से ठीक है और एन पी आर का फॉर्मूला क्या था एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल अब कॉम्बिनेशन में क्या होगा एन सी आर कैपिटल सी है ये एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल अगेन ये डिफरेंस है इन दोनों फार्मूलाज में ठीक है और इसके अलावा एन सी आर को हम यूं भी लिख सकते हैं एन आर और ये ब्रैकेट ये इसका मतलब यही है एन सी आर ठीक तो फार्मूले में सिर्फ क्या डिफरेंस है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल तो क्वेश्चन नंबर टू के पहले पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एन और क्या दी हुई है आपको इक्वेशन एन सी फाइव इक्वल है एन सी फोर अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है अब क्वेश्चन नंबर टू करने के लिए आपको एक रिजल्ट अगर आप कर लें तो उस रिजल्ट से ये होगा कि आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा और वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन रिजल्ट एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के भी ठीक है एन सी आर किसके इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के भी अगर हम ये रिजल्ट यूज करें तो हमारा इजीली वो प्रूफ हो जाता है तो हम यहां क्या लिखेंगे हम यहां लिखेंगे यूजिंग रिजल्ट कौन सा रिजल्ट एन सी आर इक्वल है एन सी एन माइनस आर के ठीक है अब कैसे लिखेंगे हम इसको इसको यूज कैसे करेंगे क्या है यहां पे एन सी फाइव एन सी फाइव इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहां पे एन सी फाइव किसके इक्वल बनेगा एन सी इसकी जगह क्या आ रहा है फाइव आर की जगह क्या आ रहा है फाइव यानी आर की जगह क्या आ जाएगा यहां पे फाइव एन सी फाइव किसके इक्वल लिख सकते हैं एन सी एन माइनस फाइव ठीक अब कंपेरिंग बोथ साइड अगर हम करें अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करें तो एन एन के इक्वल है और फाइव किसके इक्वल आ रहा है एन माइनस फाइव के ठीक है और ये जो चीज है आपके पास ये किसके इक्वल है थर्ड ये आपके पास इक्वल है एन सी फोर के ऐसा ही है ठीक है ये किसके इक्वल है एन सी फाइव किसके इक्वल था एन सी फोर यानी एन सी एन माइनस फाइव इक्वल हो गया एन सी फोर के तो एन माइनस फाइव इक्वल आया फोर के तो यहां पे एन की वैल्यू क्या आई फोर प्लस फाइव तो एन इज़ इक्व टू नाइन तो यूजिंग दिस रिजल्ट इजिली हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन से हमने एन की वैल्यू फाइंड कर ली अब सेकेंड और थर्ड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है ठीक है यहाँ पे आप फार्मूला ओपन करेंगे सेकेंड पार्ट में फार्मूला ओपन करके फिर उसके बाद इसकी ये फॉर्म बनाएंगे या राइट right साइड में ये फॉर्म बना सकते हैं आप या आपने खुद सोचना है थर्ड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाए क्वेश्चन नंबर थ्री में आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है आर की वैल्यू फाइंड करनी है और ये दी हुई हैं आपके पास तो पहला वाला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री के फर्स्ट पार्ट में हमने एन फाइंड करना है हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया हुआ हमें एन सी आर एस थर्टी फाइव एंड एन पी आर हमें क्या दिया हुआ है टू हंड्रेड एंड टेन अब दोनों साइड पे हम दोनों इक्वेशंस को एक्सपेंड कर लेते हैं जब हम दोनों इक्वेशंस को दोनों साइड पे एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे एन सी आर क्या होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इक्वल है थर्टी फाइव के ठीक है और ये क्या है हमारे पास इस तरफ एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल किसके इक्वल है टू हंड्रेड एंड टेन के तो देखें इसकी वैल्यू ये ये सेम चीज नहीं है तो क्या इसकी इसकी जगह हम टू हंड्रेड टेन वैल्यू नहीं रख पुट कर सकते पुट कर सकते हैं ना हम यहाँ पे टू हंड्रेड टेन वैल्यू ये पूरी की पूरी चीज यही है ये चीज टू हंड्रेड टेन है तो इसकी जगह क्या आ गया टू हंड्रेड टेन ओवर आर फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया थर्टी फाइव के इक्वल टू हंड्रेड एंड टेन ओवर थर्टी फाइव इक्वल आ गया आर फैक्टोरियल के ठीक है 210 को 35 से डिवाइड करें तो ये बनता है 6 आर फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू टू इंटू वन यानी किसका फैक्टोरियल बन रहा है 3 का फैक्टोरियल बन रहा है थ्री फैक्टोरियल किसके इक्वल आ रहा है आर फैक्टोरियल के यानी के आर की वैल्यू आ गई थ्री ठीक है तो देखिए कितने इजीली जो है हमें आर जो है यहाँ से फाइंड हो गया अब ये आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए आर तो फाइंड हो गया ना हमें तो इन दोनों में से कौन सा फार्मूला ज्यादा इजी है ये पी वाला इजी है क्योंकि इसमें इसमें जरा टर्म ज्यादा है क्या कर लेते हैं हम इसको इसको यहाँ आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इक्वल है टू हंड्रेड एंड टेन के इसको ऊपर वाली टर्म को एक्सपेंड करें एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल तक क्लोज कर दिया क्योंकि नीचे भी एन माइनस थ्री है यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वल है टू हंड्रेड एंड टेन तो ये कैंसल हो गया क्या बचा एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एंड टेन को हम लिख सकते हैं सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव टू हंड्रेड टेन ही बन रहा है ना तो देखिए एन में से एक नंबर कम फिर उसमें से दो नंबर कम तो यही चीज बन रही है ना सेवन में से एक नंबर कम फिर एक और नंबर कम फाइव तो एन की वैल्यू क्या आ रही है एन इज सेवन तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का पहला पार्ट जो है वो इजीली सॉल्व हो गया अब सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर थ्री का वो क्या है हमने क्या करना है एन माइनस वन सी आर माइनस वन रेशो क्या दिया हुआ है एन सी आर रेशो एन प्लस वन सी आर प्लस वन इक्वल टू थ्री रेशो सिक्स रेशो इलेवन दिया हुआ है है ठीक अच्छा अब इसमें से हमारे पास दो इक्वेशंस बन सकती हैं और वो दो इक्वेशंस कैसे बन सकती हैं? या तो हम इन पहले दो को कंबाइन कर सकते हैं ठीक है या फिर हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं रेशो का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन डिवीजन तो हम यहां से दो इक्वेशंस बना सकते हैं एन माइनस वन सी आर माइनस वन ओवर एन सी आर ठीक है किसके इक्वल है पहले दो को किया है तो पहले दो रेशियो यहां से ले लिए थ्री ओवर सिक्स एंड अगले दो ले लो एन सी आर ओवर एन प्लस वन सी आर प्लस वन किसके इक्वल यहां पे दो अगले दो सिक्स ओवर इलेवन तो दो इक्वेशंस बन गई हैं अब मेरे पास यहां पे अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं हम यहां पे एक्सपेंड कर लेते हैं ठीक है तो आपको याद होगा एन सी आर का फॉर्मूला क्या कराया था मैंने आपको एन सी आर क्या होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और सिंपल ये आर फैक्टोरियल ऐसे ही कराया था मैंने सबसे पहले इसको वन कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं टू तो मैं अभी किसको सॉल्व कर रही हूं फ्रॉम वन वन को सॉल्व कर रही हूं ठीक है क्या है एन सी आर होता है तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल इस तरह से यानी एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल और फिर उसके बाद नीचे वाले टर्म का अलग से भी तो फैक्टोरियल है यानी कि आर माइनस वन का फैक्टोरियल अच्छा अब ये फ्रैक्शन का मतलब क्या है डिवीजन तो मैंने यहाँ डिवीजन का साइन लगा दिया क्योंकि इतनी सारी फ्रैक्शंस बन रही हैं मेरी यहाँ पे ठीक है अब एन सी आर क्या बनेगा एन ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया थ्री ओवर सिक्स होता है वन बाय टू अच्छा ये क्या बना एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर इसको सॉल्व कर ले एन इसको ओपन कर लेंगे ठीक है जब ओपन करेंगे तो यहाँ बनेगा एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और ये आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल इक्वल आ गया वन बाई टू के ये कैंसिल हो गया क्या बचा एन माइनस आर फैक्टोरियल बच गया है यही बचा है ना एन माइनस आर फैक्टोरियल और ये भी तो एन माइनस आर फैक्टोरियल तो ये और ये कैंसिल नहीं हो गया तो अब हमारे पास यहाँ क्या बना बना एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल इक्वल है अच्छा अब एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा आर इन टू आर माइनस वन फैक्टोरियल स्टॉप कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ कुछ नजर आ गया सेम एन को भी खोल लें एन इन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल और स्टॉप कर दिया ये और ये कैंसल ये और ये कैंसल तो क्या आया आर ओवर एन इज वन बाय टू यही आया या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो टू आर इज इक्वल्स टू एन एन क्या मिल गया है टू आर अब दूसरी इक्वेशन लिख लें दूसरी इक्वेशन में यहां दूसरी साइड पर लिखती हूँ फ्रॉम टू अब टू को भी सिंप्लीफाई करते हैं इसी तरह से फ्रॉम टू तो टू की इक्वेशन क्या थी एन सी आर ओवर एन प्लस वन सी आर प्लस वन इक्वल्स टू सिक्स ओवर इलेवन अब यह आपकी असाइनमेंट है मैं अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन असाइनमेंट में दे रही हूँ कि यहाँ अब आपने इसको इसी तरह से एक्सपेंड करें जैसे मैंने ये एक्सपेंड किया एक्सपेंड करेंगे तभी आपको समझ आएगा तो ये अब आपने एक्सपेंड करना है कि कैसे इसको एक्सपेंड करना है वही एन वाले फार्मूले से जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आपके पास बचेगा आर प्लस वन ओवर एन प्लस वन इज इक्वल्स टू सिक्स ओवर एलेवन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इलेवन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर तो क्या आएगा इलेवन आर प्लस इलेवन इक्स एन प्लस पीछे से एन की वैल्यू क्या आ रही है टू आर ना इसमें पुट कर देवस टू टू आर इस इक्वेशन के अंदर तो क्या आया इलेवन आर प्लस इलेवन इक्वल सिक्स टाइम्स टू आर प्लस सिक्स इलेवन आर प्लस इलेवन इज इक्वस टू ट्वेल्व आर प्लस सिक्स रीअरेंज करें सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई फाइव आर की वैल्यू इसमें पुट करें तो एन क्या है टू टाइम्स आर तो एन की वैल्यू क्या आ गई टेन तो एन इज इक्वस टू टेन तो इस तरह से आपका जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहे हैं क्या करना है आपने क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहे हैं कि हाउ मेनी डायग्नल पहला पार्ट क्या है डायगनल्स दूसरा पार्ट है ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द वर्टिज ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग फाइव साइड्स अगर फाइव साइड्स का एक पॉलीगॉन हो एक शेप हो तो उसके कितने डायगनल्स बनेंगे और उसमें से कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी ठीक है मैं फाइव साइड्स वाला कराऊंगी एट साइज और ट्वेल्थ साइज वाला आप खुद करेंगे सिर्फ वैल्यू चेंज है बाकी मेथड सारा वही होगा क्वेश्चन नंबर फोर है ये क्वेश्चन नंबर फोर में आपने कौन सा वाला पार्ट ले रहे हैं फाइव साइड्स वाला कितने उसके फाइव साइड साइडेड फिगर होगा इस तरह के वन टू थ्री फोर और ये फाइव ये फाइव साइडेड फिगर है इसमें कितने डायगनल्स डायगनल क्या होते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की लाइन कितने डायगनल जो है वो ड्रॉ हो सकते हैं और कितनी ट्राइंगल्स इसमें से बन सकती हैं तो ये बताना है ठीक है तो नंबर ऑफ़ डायगनल्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ डायगनल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगनल्स होते हैं एन सी एन सी अच्छा डायगनल्स के कितने वर्टेक्स होते हैं कितने कॉर्नर्स होते हैं डायगनल्स के टू कॉर्नर्स होंगे ना डायगनल्स के दो साइड्स होती हैं कॉर्नर जहां एक से शुरू होगा दूसरी साइड तक जाएगा तो एन सी टू ठीक है माइनस एन ये नंबर ऑफ डायग्नल का फार्मूला है तीनों पार्ट बाकी दोनों पार्ट में भी आपने यही फार्मूला यूज करना है तो क्या आ जाएगा फाइव सी टू माइनस फाइव फाइव सी टू का डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप आंसर ले सकते हैं सबसे पहले हम प्रेस करेंगे फाइव फाइव प्रेस करने के बाद शिफ्ट शिफ्ट दबा के ये सी वाला बटन ये देखें रहा डिवीजन के ऊपर प्रेस किया तो यहाँ आ गया सी उसके बाद टू प्रेस किया इक्वल दबाया तो ये आंसर आ गया ठीक है तो ये आ गया टेन माइनस फाइव तो फाइव इसमें फाइव डाइगनल्स बन सकते हैं ये देखें एक डाइगनल ये बना दूसरा ये बना तीसरा ये बना चौथा ये बना पांचवा ये बना ठीक है अच्छा अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स कितनी होंगी इसके अंदर तो नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स का फार्मूला जो आपने करना है ट्राइंगल्स के कितने कॉर्नर्स होते हैं तीन होते हैं ना एक दो तीन एन सी थ्री होगा तो फाइव सी थ्री तो कैलकुलेटर से आंसर लेना है तो ये आ जाएगा टेन टेन ट्राइंगल्स बन सकती है इसके अंदर से इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर बॉयज हैं और एट गर्ल्स हैं इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स बी फॉर्म टोटल बारह हैं लड़के और आठ लड़कियां हैं और उसमें से कमेटी बनानी है तीन लड़कों की और दो लड़कियों की ठीक है तो नंबर ऑफ एज बताने हैं तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या आएगा बॉयज़ जो हैं वो आपके पास कितने हैं ट्वेल्व और उन ट्वेल्व में से आपने कितने की कमेटी बनानी है तीन की गर्ल्स जो हैं वो आपके पास हैं एट और उसमें से उनकी कमेटी बनानी है टू की तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज बनेंगे कॉम्बिनेशन है ना ये आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे ट्वेल्व सी थ्री मल्टीप्लाई एट सी टू तो so, कैलकुलेटर से इसके आंसर लेंगे आप तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिक्स वन सिक्स जीरो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है हाउ मेनी कमेटीज ऑफ फाइव मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एट पर्सन व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड टू पर्टिकुलर पर्सन फाइव मेंबर्स की हमने कमेटी बनानी है और हमारे पास जिन लोगों में से हमने चूज करना है वो आठ लोग हैं और उसमें से दो पर्टिकुलर पर्सनस को जो है हमने फिक्स करना है इंक्लूड कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे अब आपके पास बनेगा दो को फ़िक्स कर रहे हैं ना तो फिक्स होने की वजह से हमारे पास नंबर रिड्यूस हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपके पास क्या है कि हाउ मेनी कमेटीज़ ऑफ फाइव मेंबर्स टोटल एट है हमारे पास एन जो है वैसे एट है तो उसमें से हमने कितने कितने के मेंबर्स की बनानी है फाइव मेंबर्स की दो लोग फिक्स हो गए हैं, दो लोग फिक्स होने की वजह से टू को मैंने यहां माइनस करना पड़ेगा तो यह बनेगा सिक्स और यहां आर क्या बनेगा मेरे पास थ्री तो यह नंबर ऑफ वेस्ट की नंबर ऑफ कमेटीज कितनी बनेगी बनेगा यहां पे सिक्स सी थ्री तो आंसर आएगा आपके पास यहां पे ट्वेंटी ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद अब आ जाए क्वेश्चन नंबर सेवन पे क्वेश्चन नंबर सेवन एंड हाउ मेनी वेज कैन अ हॉकी टीम ऑफ एलेवन प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ फिफ्टीन प्लेयर्स हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर तो आपके पास टोटल प्लेयर्स पंद्रह हैं और उनमें कितने इंक्लूड करें इलेवन तो so, एक तो आपके पास नंबर ऑफ वेज पहला पार्ट जो बन रहा है इस सवाल का वो फिफ्टीन सी इलेवन है ठीक है ये आपने खुद करना है और बता देती हूँ मैं सिर्फ लिख के नहीं बता रही जबानी बता देती हूँ नंबर ऑफ वेज पहले पार्ट पहले क्वेश्चन मार्क तक नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे फिफ्टीन सी इलेवन फिर हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर अब पर्टिकुलर प्लेयर का मतलब है किसी एक प्लेयर को फिक्स कर रहे हैं तो वन जो है इलेवन में से भी माइनस हुआ फिफ्टीन में से भी तो ये वाले सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा फोर्टीन सी टेन फोर्टीन सी टेन तो ये आप उसका कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेंगे ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाएं क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है देर आर एट मैन एंड टेन वुमेन मेंबर्स ऑफ अ क्लब हाउ मेनी कमेटीज़ ऑफ मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड जिसमें हम चार औरतों को फिक्स करें ठीक है एट द मोस्ट फोर वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा चार हो इससे कम हो सकती हैं ठीक है एट लीस्ट फोर वुमेन यानी कम से कम चार हो इससे ज़्यादा हो सकती हैं इससे कम नहीं होनी चाहिए तो ये तीन पार्ट्स ये क्वेश्चन नंबर नाइन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है तो क्वेश्चन नंबर नाइन करा देती हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है हमारे पास एट मेन है और वुमेन हमारे पास कितनी है टेन ठीक है तो नंबर ऑफ कमेटीज अगर हमने पहला पार्ट क्या है कि औरतों को कितनी औरतों को हमने फिक्स करना है फोर को तो नंबर ऑफ कमेटीज हमारे पास कितनी बनेंगी नंबर ऑफ वेज लिख लें नंबर ऑफ कमेटीज लिख लें तो कितनी बनेगी हमारे पास यहां पे टेन सी फोर ठीक है हमने क्या करना है उन्होंने ये कहा है यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है हाउ मेनी कमेटीज ऑफ सेवन मेंबर्स यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है ये यह लिखना यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी कमेटीज ऑफ सेवन मेंबर्स टोटल मेंबर्स सेवन होने चाहिए चार औरतें हो गई तो बाकी कितने मेल हम ले सकते हैं थ्री मेल्स ले सकते हैं सेवन बनाने हैं ना हमने लोग पूरे तो ये टेन C फोर मल्टीप्लाई बाय मेन कितने हैं टोटल एट और उसमें से कितने अब यहाँ पे यहाँ हम क्या रखें कि ये टोटल सेवन बन जाए तो थ्री चार औरतें फिक्स हो गई हैं तो कितने मेल रह जाएंगे जो हम रख सकते हैं थ्री तो कैलकुलेटर पे इसका आंसर ले लेंगे तो बनेगा वन वन सेवन सिक्स सिक्स सेकेंड पार्ट क्या है सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं एट मोस्ट फोर वुमेन एट मोस्ट फोर वुमेन ज्यादा से ज्यादा चार औरतें हम ले सकते हैं ठीक है चार से कम ले सकते हैं चार से ज्यादा नहीं ले सकते तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे कितनी औरतें हैं टोटल टेन सी फोर चार औरतें रख सकते हैं और दूसरा जो है वो मेल का सी रखा प्लस टेन सी थ्री और ये मेल्स का प्लस टेन सी टू एट मोस्ट ना ज़्यादा से ज़्यादा चार हो चार से कम भी हो सकती हैं तो फोर भी हो सकती हैं थ्री भी हो सकती हैं टू भी हो सकती हैं प्लस टेन सी वन एट सी ठीक है प्लस 10, C, टेन सी जीरो भी तो औरतें हो सकती हैं एट सी अब टोटल मेंबर्स उन्होंने कमेटी के साथ रखने हैं तो चार निकल गए तो यहाँ तीन बचे तीन निकल गए तो यहाँ फोर मेल्स दो औरतें होंगी तो फिर पांच मेल होंगे एक औरत होगी तो छह मेल जीरो औरतें होंगी तो सेवन मेल्स तो आप कैलकुलेटर पे अलग अलग आप जब इनके आंसर्स निकालेंगे यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ये सारे आंसर्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आप लिखेंगे फाइंड करके ठीक है फिर उनको सारे आंसर्स यहां जो भी एक दो तीन चार पाँच यहाँ आंसर्स आएंगे ठीक है तो फाइनल आंसर बनेगा आपके पास टू जीरो सिक्स वन यहाँ फाइनल आंसर आएगा टू टू नाइन सिक्स एट ठीक है और थर्ड वाला क्या है थर्ड वाला एज एन असाइनमेंट है आपके लिए एट लीस्ट फोर वुमेन होनी चाहिए फोर से ज्यादा हो सकती हैं यानी कि टेन सी फोर हो टेन सी फाइव हो इस तरह एंड सो so तो ये यह आपने कॉम्बिनेशन बनाने थर्ड पार्ट के हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे आप जो कि क्वेश्चन नंबर टेन है क्वेश्चन नंबर टेन में हमने प्रूव करना है एन सी आर को प्लस करें एन सी आर माइनस वन के साथ तो एन प्लस वन सी आर के इक्वल है ठीक है तो हम लेफ्ट साइड ले, ले लेते हैं लेफ्ट साइड में ज़रा टर्म्स ज्यादा हैं क्या है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन किसके इक्वल आएगा हम ओपन कर लेते हैं एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल इन टू आर माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल ओवर क्या बना यहाँ पे मेरे पास एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एंड आर माइनस वन फैक्टोरियल ठीक है अब अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल ओवर जब हम किसी फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो उससे अगली वाली जो टर्म होती है वो उस टर्म से एक नंबर छोटी होती है तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो इस फैक्टोरियल हटाऊंगी तो ओपन होगा ना तो एक टर्म जो है वो इससे छोटी हो जाएगी यानी वन माइनस हो जाता है उसमें से और वहाँ फैक्टोरियल मैंने क्लोज कर दिया मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया अब ये और ये कैंसिल तो क्या बचा एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर प्लस वन का वन यहाँ आया एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन का फैक्टोरियल यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल कॉमन लिया ये पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहां क्या आया सिर्फ वन अच्छा इसके अलावा एक और चीज भी हो सकती है इस आर को भी तो मैं ओपन कर सकती हूं ना तो ये आर फैक्टोरियल को अगर ओपन करूंगी तो आर इन टू आर माइनस वन फैक्टोरियल बन जाएगा तो यहां जा ना तो यहाँ क्या आ जाएगा आर इन टू आर माइनस वन फैक्टोरियल ठीक है तो ये ये मैंने यहां क्या कॉमन ले लिया मैंने यहां कॉमन ले लिया आर माइनस वन फैक्टोरियल तो एन फैक्टोरियल भी बाहर लिया कॉमन एन माइनस आर भी फैक्टोरियल कॉमन लिया आर माइनस वन फैक्टोरियल भी कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा वन ओवर ये आर बच गया यहाँ पे प्लस ये कॉमन चला गया ये भी कॉमन चला गया ये भी कॉमन चला गया तो वन ओवर एन माइनस आर प्लस वन आ गया ठीक अब इसका एलसीएम ले, ले लेते हैं एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन तो यहां यहाँ क्या आया एन माइनस आर प्लस वन और ये प्लस आर ये और ये कैंसिल ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज उतारती हूं दूसरी साइड पे तो मेरे पास आया यहाँ पे एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल और यहाँ अंदर क्या बचा है? मेरे पास एन प्लस वन ओवर आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन ठीक है अब इसको लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल और ये साथ में इकट्ठे लिख रही हूँ मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में एन प्लस वन ओवर ये आर ये आर माइनस वन फैक्टोरियल एज ड फिर ये एन माइनस आर प्लस वन और ये एन माइनस आर फैक्टोरियल एजेस इस तरह से ठीक है लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे इस तरह से अच्छा ये लिखने के बाद मैं इसको यहाँ थोड़ा स्टॉप कर रही हूँ और मैं राइट साइड पे जा रही हूँ मेरी राइट हैंड साइड क्या थी मेरी राइट हैंड साइड थी एन प्लस वन सी आर और वो कैसे ओपन होगी एन प्लस वन फैक्टोरियल ओवर एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल इन टू आर फैक्टोरियल इस तरह से ओपन हुई ना ठीक है अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये क्या बन रहा है इसको जब फैक्टोरियल हटाते हैं तो एक नंबर पीछे चला जाता है एन प्लस वन इन टू एन प्लस वन और उसमें से एक नंबर माइनस हो जाता है फैक्टोरियल इस तरह से फिर इसको लिख सकती हूं एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आर इन टू आर माइनस वन फैक्टोरियल तो देखिए ये और ये साइड आपस में सेम नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के तो प्रूव हो गया मेरा ये तो आई होप आपको सेवन पॉइंट फोर समझ आ गई होगी आपने एक्सरसाइज इस तरह से करनी है कि एक क्वेश्चन पहले समझें फिर दूसरा क्वेश्चन करें स्टॉप करके वीडियो फिर तीसरा इस तरह से आपने करने है इसके बाद हमारी सेवन पॉइंट फाइव से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी वो इससे थोड़ी ईजी है सो डोंट वरी अबाउट दिस चैप्टर चैप्टर की बस थोड़ी सी एक्सरसाइज रह गई हैं बहुत शॉर्ट्स ही आगे जो एक्सरसाइज होनी है